फर्स्ट प्लेस देखिए आप, स्टॉल भी देखिए कब, सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। थ्रो द टॉवल या थ्रो अप द स्पंज, दोनों का एक ही मीन है, थ्रो अप द स्पंज। स्पंज क्यों काम आएगा, टॉवल का काम आएगा, देखिए आप इसी से भी टेंशन ले रहा है, पढ़ पर आइए। Have cross sword, हमारे डैगर काम पे आ गया, शरीर काम पे आ गई, आज आप तलवार काम पे ले रहे हैं। क्रॉस सॉर्ड का क्या मतलब हुआ देखते हैं। अबाउट इज शैल, अबाउट इज शैल क्या कहता है हमसे देखते हैं। और फिफ्थ है आपका बेड बाई फ्लैश ट्री, बेड बाई फ्लैश ट्री। आइडिया लगाइए, आईक्यू लगाइए, आईक्यू में स्टोरी काफी कुछ सॉल्व हो जाता है। देखते हैं क्या कहता है आपका आइडिया। बेड बाई फ्लैश ट्री, पिस्टोर भी रे टी कप। सिक्स्थ है आपका कीप अंडर द रैप्स, आप लोग के स्टूडेंट आईक्यू भी अच्छा यूज किए, कीप अंडर रैप, इसको कहते हैं, हर बार यूज किया होगा लेकिन कभी इंग्लिश लेवल पे नहीं सोचा इसको, कीप अंडर द रैप्स। नेक्स्ट इज रेस्ट ऑन लॉरेल्स, रेस्ट ऑन लॉरेल्स, लॉरेल्स किसको कहते हैं, ये समझ में आता है तो सबको समझ में आता है। ऑप्शन चॉइस, ऑप्शन चॉइस, ऑप्शन चॉइस क्या कहलाएगी। और टॉक थ्रू हेड और स्टेयर द ब्लड, टॉक थ्रू हेड, नेक्स्ट एंड लास्ट इज स्टेयर द ब्लड, स्टेयर द ब्लड, हैव नो रेस्ट ऑन लॉरेल्स। आइडिया लगाइए कि हमें यदि एग्जाम में होते तो इसका क्या आंसर देते। स्टोर इन अ टीकप, थ्रो टॉवल और थ्रो अप द स्पंज, हैव क्रॉस सॉर्ड, सबकी सब एग्जाम में आ चुकी है फिर आने की संभावना। कम आउट इज शेयर, पेड बाय फ्लैश क्रीम, कीप अंडर द रैप्स, इसको रैप्स बोल लेंगे, प्रोनंसिएशन में डब्ल्यू नहीं आएगा। Rest on laurels, hops a choice, talk through hat, hat यदि पहनने वाली है, और stare the blood, stare the blood, stare, stare the blood। आइडिया लगाइए, 10 phrases आपके सामने, 20 दिन आपका बाद आपका एग्जाम है, इनमें से कोई भी एक phrase आ गई तो क्या दशा होगी, क्या स्थिति होगी, वो थोड़ा सा फील करने की कोशिश करिए, वैसे जाएगा नहीं पेपर अपने से बाहर। स्टोर विद ए टी कप, थ्रो द टॉवल और थ्रो अप द स्पंज, हैव क्रॉस सॉर्ड, कम आउट इज शेल, पेड बाय फ्लैश क्रीम, कीप अंडर द रैप्स, रेस्ट ऑन लॉरेल्स, ऑप्शन चॉइस और टॉक थ्रू इट और स्टेप द ब्लड। ऑनलाइन फ्रेंड किसी के पास कोई आंसर हो तो देने की कोशिश करो। 10 फ्रेजेज हैं आपके सामने, कोई आइडिया, एग्जाम में सब आएगी ये बात, बिल्कुल प्रिंट कर लेना, कोई सी भी आ सकती है, किसी की बनाई नहीं है। स्टोर इन ए टी कप, करें शुरू। स्टोर इन ए टी कप, कल मैंने बताया था स्टोर का मतलब होता है तूफान, टी कप का मतलब होता है चाय का प्याला, यानी चाय के प्याले में तूफान क्रिएट करने का मतलब है बात का बतंगड़ बना देना, बात बहुत छोटी सी थी, बात का बतंगड़ बनाना, राई का पहाड़ बना देना, तिल का तार बना देना, जो भी आपको लगे अच्छी प्रॉपर हिंदी में उसको करेक्शन दे दीजिए अंग्रेजी से। छोटी सी बात थी, दो बाइक आपस में भिड़ गई, लेकिन मामला बढ़ते बढ़ते कितना बढ़ गया कि मर्डर तक स्थिति आ गई। डोंट क्रिएट स्टॉल विद ए टी कप,
हमारी कॉलोनी में हो जाता है, हमारे गांव में हो जाता है, पानी की बात पर लोग जो है FIR में लोड हो जाती है, तुम्हारा पानी मेरी तरफ आ गया। राई का पर्वत बनाना, तिल का तार बनाना, बात का बतंगर बना देना, डॉट क्रिएट स्टोर दीजिए टी का। ये जैसे पहले टीशर्ट बनाते हैं, एक वजह से दिल्ली में वो हो गया, क्या बोलते हैं, किसी का मर्डर कर दिया, दूसरे उसकी पोलिटिसाइज कर रहा है, उसको राजनीतिकरण का रूप देना चाहता है कि साहब राजनीति हो गई इसमें, ठीक हो गया, वो एक अलग मैटर है। स्टोर भी दे टीक का, थ्रो द टावल और थ्रो अप द स्पंज, ये जो फेस पैदा हुई है ये बॉक्सिंग से पैदा हुई है। बॉक्सिंग में जब ए और बी आपस में लड़ रहे हैं, बी को पता है मैं हारूंगा, उसे पता है मैं ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर सकता, बी को पता है मैं हारूंगा, उसका रेफरी उसकी तरफ या तो टावल फेंकता है या स्पंज फेंकता है, भैया तू अपना चेहरा वगैरह साफ कर ले, पसीना है जो आ रहा है क्योंकि तू लड़ेगा तो है नहीं। तो ये हुआ है, इस रिंग से पैदा हुआ है, इस एरिना से पैदा हुआ है, बॉक्सिंग से पैदा हुआ है, टावल और स्पंज उसकी तरफ फेंकेगा, उसने हार स्वीकार कर ली है, हार स्वीकार करने को कहते हैं थ्रो द टावल और स्पंज, हार स्वीकार करना, एडमिट कर लिया कि मैं नहीं लड़ सकता। रेफरी जो भी है एम्पायर टावल फेंक देगा उसकी तरफ या स्पंज खोजने के लिए कोई भी स्पंजी चीज, तो दोनों का एक ही मतलब है एडमिट द डिफीट। कल था जीव द गॉटलेट, कल चुनौती दी थी, आज आपने हार को स्वीकार कर लिया, थी अपने बस की बात नहीं है। आई हैव सरेंडर्ड थ्रू द टावल थ्रू अप द स्पंज, हैव क्रॉस सोर्ड, हैव क्रॉस सोर्ड, क्रॉस सोर्ड है बिल्कुल आपस में दुश्मनी होना, ये भी इसका आंसर देता है, दुश्मनी होना क्रॉस सोर्ड है आपस में, और आपका असहमत होना ये भी इसका आंसर दे सकता है, वो दिया है एक एग्जाम में डिसएग्री भी इसका आंसर दिया है। कदर मारे जी की याद से कदर बोलते भी काम है मारे जी की याद से वो भी मैं मारे जी की याद से मतलब डिसएग्री को आप पूरा मारवाड़ी को साल हैव क्रॉस सोर्ड, पाकिस्तान हमारे के बीच में क्रॉस सोर्ड बिल्कुल दुश्मनी है। कोर्ट में एक डिफेंस लॉयर और प्रोसिक्यूशन लॉयर में क्या होता है, ये होता है कोर्ट की बात करें, चलो लीगल पार्ट का करते हैं, कोर्ट में प्रोसिक्यूशन लॉयर और डिफेंस लॉयर क्या होगा, हैव ए क्रॉस सोर्ड, वो कहता है इसको जमानत दो, वो कहता है इसको नहीं देनी देंगे, वो कहता है इसको जमानत दो, इसको जमानत नहीं देनी, तो कोर्ट में चलो इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना, हैव क्रॉस सोर्ड होती है एक डिफेंस लॉयर में और एक प्रोसिक्यूशन लॉयर में, दोनों आपस में क्रॉस सोर्ड हो गए तभी तो मुक्ति या तो निकलेगा या तो कन्विक्ट होगा या एक्विट होगा। कम आउट ऑफ यू शेल, फिल्मों को याद करो, कोई भी जब हीरो प्रॉब्लम में होती है तो हीरो कम आउट ऑफ शेल हो जाता है अपने आप, अचानक प्रकट होना, अचानक कहां से आता है वो जो उसका डायरेक्टर जाने, अचानक प्रकट होना। व्हेन एवर ए हीरो ऑफ द फिल्म इज द पीकल ऑफ द सूप, द हीरो ऑफ द फिल्म कम आउट ऑफ शेल, अचानक प्रकट होता है, कहां से प्रकट होता है, कम आउट ऑफ शेल, अचानक प्रकट होना। जैसे कोरोना आई, पैदा होने से अब तक लेकर हमने जिंदगी में नहीं सुना था ऐसी कोई बीमारी भी होती है, पर जब आई तो कम आउट ऑफ शेल आई, अचानक प्रकट हुई, कहां से आई, क्यों आई, किसी को नहीं पता। पेड बाई फ्लैश क्रीम, पेड बाई फ्लैश क्रीम, फ्लैश को कहते हैं इंसानी मास को, इंसानी मास को फ्लैश कहते हैं। बांग्लादेशी मर्डर हुआ पटना न्यूज पेपर, उसमें क्या हुआ कि पॉलिटिशियन था, इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, इसके उतार दिया और फिर इसको सिगरेट में फेंक दिया, तो आप फ्लैश वर्ड आ रहा है, अब उससे पुलिस वालों ने उसका फ्लैश उठाया है और डीएनए के लिए भेज दिया कि डीएनए टेस्ट करो है कौन। क्रीम, क्रीम किसको कहते हैं, सपोज करिए हमारी स्किन पर इस समय कॉकरोच चल रहा है, क्या फीलिंग्स आएगी, कॉकरोच चल रहा है यहाँ क्या आएगा, खुशी होगी, वो चल पाई है, हॉरीफाइड, डर लगना, डर लगना, डर लगना, हॉरीफाई होना, यदि कॉकरोच यहाँ पे चल रहा हमारी बॉडी पर तो चीजें थोड़ी तो चल रही है, तो वो क्या होता है रेड माइंड फ्लैश क्रीम का मतलब डर लगना, भयभीत होना या आपका हॉरीफाइड हो जाना, समझ में ना सभी चीज आगे जाती नहीं, इतना भी बोलते लिखा हुआ है ये भी समझ नहीं आती। रिस्टोर में टीका बात का बतकर बनाना, हार स्वीकार करना, थ्रो द टॉवल और थ्रो द स्पंज, हैव क्रॉस सोर्ड, कम आउट दी शेल और रेड माइंड फ्लैश क्रीम, कीप अंडर द रैप्स, प्रेजेंटेशन होगा रैप्स, इसको बोलेंगे रैप्स, रैप आप रोज बोलते हो,
रैपर नहीं होता क्या? जब अपन कोई गिफ्ट लेते हैं तो उसको रैप करवाते हैं ना, रैप करवाते हैं उसको, जब वो खोलेगा गिफ्ट को देखो गिफ्ट खोले तो ओपन नहीं आएगा। यदि कोई गिफ्ट को खोलेगा तो उसे अनरैप कहते हैं। हर चीज का एक वर्ड होता है, ओपन थोड़ी होगा। हमने किसी को कोई गिफ्ट दिया तो उसके ऊपर जो ग्लॉसी पेपर होगा उससे वो रैप कर देता है 10 रुपए 5 रुपए लेकर, फिर अगला जो करेगा वो उसको अनरैप करेगा। तो रैक ही पढ़ने का रैक का मतलब होता है किसी भी बात को, कोई भी राज को छुपा के रखना, राज रखना, कोई भी आपकी बात छुपा कर रखना ही पट्टर का रैक्स। अब इसको आप क्या यूज करते हो, आपके कैसे आएगा? मीडिया ट्रायल। मीडिया ट्रायल समझते हैं क्या? किसी भी केस में मीडिया ही फैसला कर देता है। बाबा आराम को अरेस्ट किया, मीडिया ट्रायल हो गया उस केस का, उसी ने कह दिया इसको कन्विक्ट करेंगे, उसको आप वो करेंगे क्या बोलते हैं एडमिट करेंगे, मीडिया को क्या अधिकार है? इसीलिए पुलिस क्या करती है, इसको कीप अंडर द रैप्स रखती है कि भैया तुम दूर रहो, प्रेस को दूर रखने की कोशिश करती है कि जब प्रेस मीडिया ट्रायल करती है तो केस का फैसला तो वही कर देती है। फिर मजबूरन उस जज को उसी तरफ जाना पड़ता है जिस तरफ आपका मीडिया ट्रायल होता है, क्योंकि उसको पता है कि मीडिया ट्रायल है, इसको छोड़ दिया जैक जैक थी। अरे एविडेंस क्या कह रहे हैं, विटनेस क्या कह रहे हैं, जज वो देख रहा है तुम्हारे कह रहे हैं थोड़ी छोड़ रहा है, हाँ सर आपको वो छोड़ देगी कोर्ट, ऐसा मीडिया ने पहले ही कह दिया था, ऐसे थोड़ी तो होता है, वो तो कोर्ट के कार्रवाई या जुडिशरी में मीडिया ट्रायल नहीं आ सकता। इसलिए मीडिया ट्रायल आने की संभावना आज 2024 में एक अच्छी संभावना है, क्योंकि मीडिया ट्रायल और कोर्ट ऑफ कंटेंप्ट कुछ ज्यादा ही उछल रहे हैं इस समय। टेस्ट ऑन लॉरेंस का क्या मतलब हुआ, किसी का छोटा मोटा जॉब लग गया, क्लर्क बन गया, अब वो क्या बोलेगा सबको याद है, तो गाँव में जॉब लग गई कौन पढ़ाई करे, दाल रोटी से खुश होना रेस्ट ऑन लॉरेंस यानी संतुष्ट होना, अब आगे तरक्की नहीं करनी, संतुष्ट होना। एक जॉब लग गया छोटा सा, ठीक है तनख्वाह जाती है, काम चल जाता है, और आगे कॉम्पिटिशन दे, और बड़े कॉम्पिटिशन दे, और ऑफिसर रैंक के लिए तैयार करें, रेस्ट ऑन लॉरेंस। क्लियर? ऑप्शन चॉइस, ये भी एक अच्छी फ्रेज है। एक आदमी घोड़े पाला करता था, हॉर्स, उसकी क्या जिद थी, कोई भी खरीदने आता था तो उसकी एक जिद थी, भैया जो गेट के पास जो हो रहा है ना पहला, एक बेचूंगा मैं, बेचूंगा भी नहीं, अब तेरी मर्जी है खरीद, तेरी मर्जी है नहीं खरीद, मेरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऑप्शन चॉइस का मतलब है कोई विकल्प ना होना, कोई विकल्प ना होना, अब तो ये करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। ऑप्शन चॉइस, सपोज किसी की कॉम्पिटिशन के लिए ओवर एज हो गई, अब उसके पास बिजनेस या प्राइवेट जॉब करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन चॉइस है, वो बोले साहब मैं तो कॉम्पिटिशन का, भाई साहब आप ओवर एज हो गए, यू कैन डू बिजनेस, यू कैन डू ए प्राइवेट जॉब, यू कांट डू ए गवर्नमेंट जॉब, बिकॉज अब आपकी चॉइस खत्म, कोई विकल्प ना होना। टॉक टू हैट, टॉक टू हैट, ये विदेशी संसद से आई है, विदेशी पार्लियामेंट से आई है, विदेशी जितने भी एमएलए और एमपी होते हैं वो हैट लगाते हैं, लेकिन वो जो संसद में या पार्लियामेंट में बोलते खूब है और क्या बोलते हैं ये उनको भी नहीं पता। सांसद को पता होता है, एमएलए को पता होता है बोलने का, विधानसभा की कार्रवाई में देखा करो कोई मतलब याद बोलना है, कुछ लोगों को छोड़कर, कुछ अच्छा नॉलेज होता है तो सबको नहीं लेंगे, लेकिन बाकी को तो बोलना है, कुछ भी बोलना है, किसी के बारे में बोलना है, नाथी का बाड़ा यूज कर लिया, फलाना यूज कर लिया, कुछ भी यूज कर लिया, बोलना है। तो टास्क टू हैट का मतलब होगा आपका बेतुकी बात करना, बेतुकी बात करना जो जनरली असेंबली में और पार्लियामेंट में होती है, लॉजिकल बात नहीं होती, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं वो, सिर्फ कुछ लोगों को छोड़कर जिनको बोलने का अच्छा कमाल है वो अच्छी बात बोलते हैं, वो बात को प्रेजेंट भी अच्छे तरीके से करते हैं, ऐसी बात नहीं है। सारे सांसद और सारे एमएलए ऐसे नहीं है, मगर कुछ है, टॉक टू है, बेतुकी बात करना, और स्टे द ब्लड, ब्लड है उसको उबाल दिया, उसको घुमा दिया, उसको रोटेट कर दिया, ये नहीं तुम कर सकते हो। कभी भी कोई युद्ध होता है तो हर कैप्टन अपनी रेजिमेंट को स्टे द ब्लड करता है, हर कैप्टन जो हेड होता है वो अपनी रेजिमेंट को स्टे द ब्लड करता है, यानी किसी को प्रोत्साहित करना, किसी को प्रोत्साहित करने को बोलते हैं स्टे द ब्लड। नहीं तुम कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, दिस इज स्टेट ऑफ आर्ट, तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, सॉरी फॉर द कोल्ड वाटर, कर सकते हो स्टेट ऑफ ब्लड, नहीं कर सकते
थ्रू कोल्ड वाटर, इसको उल्टा कर दो, थ्रू कोल्ड वाटर किसी को हतोत्साहित करना। किसी ने कहा तुम कर सकते हो, यू कैन डू दिस, यही फर्क होता है। स्टैंड अप, रन, उठो, कोल्ड वाटर, हतोत्साहित करना। 11 फ्रेजेज आपके सामने लिखिए, लेते हैं वोकेश का हमेशा बहुत अच्छे वे में। तुम आगेस नहीं कर सकते, यू कांट बी कभी आगेस, थ्रो द कोल्ड वाटर, तुम बच सकते हो उसके अंदर। क्लियर? स्टोर मीडिया की कप, राई का पर्वत, बात का बतकर बनाना, हार स्वीकार करना, दुश्मनी होना, असहमति होना, अचानक प्रकट होना, भयभीत हो जाना, डर जाना, राज रखना, छिपा के रखना, संतुष्ट होना, कोई विकल्प ना होना, कोई रेडी नहीं है। स्टैंड अप लर्न और किसी को हतोत्साहित करना। 1 मिनट का रिपीटेशन, रोटेशन, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। बात का बतकर बनाना, बोलते चलिए बराबर, थ्रो द कवर ऑफ द स्पंज, दुश्मनी को नाम है थ्रो सॉर्ड, अचार प्रकट होना, डर लगना, राज रखना, संतुष्ट होना, आपका रेस्ट हो, नॉलेज, कोई भी कमी ना होना, ऑप्शन चॉइस, दिल की बात करना, काम को सॉरी टॉप थ्रू है प्रोत्साहित करना, स्टैंड अप लाड, और किसी के मनसूबों पर पानी फेर देना, किसी के सपनों पर पानी फेर देना, थ्रो कोल्ड वाटर, थ्रो कोल्ड वाटर। मेरे की स्टूडेंट थे, उसे फादर को कहते थे तुम आज इस नहीं बन सकती, आज इस नहीं बन सकती, वो मेरे पास आई आज इसी देर में, ऐसा कुछ नहीं है। थ्रो द कोल्ड वाटर की बात कहते थे यार तुम ऐसे नहीं कर सकती, वैसे नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं। नेक्स्ट की तरफ आइए, पहला आपने लिखा कि पी, पहले डाउस काफी जगह मिलेगा आपको, पुट आउट को इम्पोर्टेंट कर लेना, पुट आउट फ्रेजल वर्ब है। आज दिखाना हो तो एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश, और पुट आउट की लगभग लगभग सिंगल फ्रेज है पुट ऑफ, पुट ऑफ या कॉल ऑफ, इस तरह नेक्स्ट आइए, इंपॉर्टेंट, CLY के साथ प्रपोजिशन 4 आएगा, इसको इंपोर्टेंट कर लेना, एक काम के लिए लगी CLY, प्रेडिक प्लस लॉन्गिंग प्लस यार्न। जैसे भारतीय लोग लड़की के लिए 3 लाल से रखते हैं, यहाँ पर काम मिलेंगे ऑर्थोडॉक्स पीपल है क्रेविंग फॉर ए सन, ए मेल चाइल्ड, कुछ भी उल्लासा रखना, डिजायर इच्छा होती है, उससे ऊपर की जो कैटेगरी होती है ना वो त्रिउल्लासा, और इसी से ऊपर की जो कैटेगरी होती है और भी थोड़ी खतरनाक, वो IPF कहलाती है। इसी से ऊपर की जो कैटेगरी होती है वो चाहत में बदल जाती है कि आपको मेरे को चाहिए चाहिए, इंक्लिनेशन, फर्स्ट वर्ड, सेकेंड इज
पेंशन, सेकेंड इज पेंशन एग्जाम भी आते हैं और एम फोर ले ली, यानी जब आपकी लालसा थोड़ा सा ऊपर का ग्रुप ले ले, थोड़ा हाई लेवल पर आ जाए कि अब तो करना ही है, कि मानो 70% पे काम करती है तो 85 हो जाती है, और फिर होता है जरूर वो पैशन कह रहा था, वो तो चाहिए ही चाहिए, ले लिया हो जरूर, इससे भी ऊपर चले जाओगे अब तो भैया कोई उपाय नहीं है, तो फिर पैशन आ जाएगा जरूर या फिर देरी आ जाएगी। इसमें इस बार तो छुटकारी होगी ना, हाँ वो अलग वे में है, इस बार इसी से कनेक्टेड है, वो किसी भी आप दे सकते हो। डिजायर बहुत छोटा वर्ड है, डिजायर की इच्छा है मुझे आरजीएस पढ़ना है, आप थोड़ी सी और ऊपर आए सीएलवाई में कन्वर्ट हो गए, फिर थोड़ा और ऊपर आए वो आईपीएल में कन्वर्ट हो गए, फिर और ऊपर आए पैशन और मीडिया में कन्वर्ट हो गए, जिसको कहते हैं जरूर, और ये होना बहुत जरूरी है। जरूर जज्बा और जिद, ये जीत के लिए तीन कंडीशन बहुत जरूरी है, तीन कंडीशन नहीं है तो कोई मजा नहीं है, जीत में मजा नहीं है। नहीं त्रिलालसा रखना, जैसे आई हैव क्रेविंग फॉर कुछ भी रख दो, मर्सिडीज ओडी कुछ भी, लॉन्गिंग LONGING लॉन्गिंग लॉन्ग करके आईएनजी कर दो लॉन्गिंग। झुकाव भी होता है, बिल्कुल सही है, इंक्लाइन होता है, नहीं टेंशन डीपीएस अगर इस वे में जाएगा तो वो आपकी चाहत बदल गई, ना चाहत में होगी ना आईपीएल के लिए चाहत, आईपीएल के लिए चाहत। अब भारतीय लोग क्यों रखते हैं, जब आप पिटीशन पर ऐसे लिखेंगे तो इतनी वर्ष को घुमाना पड़ेगा कि भारतीय लोग ऐसा क्यों रखते हैं। फिर आया एलसीएम तैयारी पता है सवाल में दया क्या रहे हैं, जो पक्षियों पे दिखा रहे लीनियंट, ये तो कोर्ट में भी यूज होता है, लीनियंट प्लस प्रीमेंट प्लस मर्सी सर्पिस शो लीनियंट व्यू, वकील कहता है कि प्लीज सर शो लीनियंट व्यू प्रीमेंट व्यू, एक दया वाला दृष्टिकोण दिखाइए और प्लीज डायरेक्टर ने पे इसका आरोपी सिंह और पीसीआर को कन्वर्ट कर देता हूँ, पीसीआर छह वर्ड हो गए दया के लिए, पी फॉर पीटी दया पीटी है ध्यान रखना, सी वाला वर्ड एग्जाम के आ सकता है, कॉपी सरेशन कॉपी सरेशन, और आर फॉर कहलाएगा रूल, पीसीआर की दया, और किसी ने कह दिया पी आई डी एच वाई क्या होता है, पीथी क्या होता है, तो पीथी होता है बहुत छोटा बहुत शुष्क, जैसे माँ दुनिया का सबसे छोटा वर्ड है तो माँ वर्ड इज द पीथी वर्ड ऑफ द वर्ड, PCR की दया, LCM की दया, IPL की लिए चाह, CLY की लिए CLY, त्रिलालसा रखता है चतुरलाल यादव ऐसा रख दो, और द्वारका प्रसाद जी की आग बुझाता है, TPE ने आग बुझाई, CLY को त्रिलालसा ही लड़का होना चाहिए क्योंकि चिता को अग्नि कौन देगा उसकी प्रॉब्लम, हमारी क्या बोलते हैं भस्मी कलश को गुप्ता जी भी कौन लाएगा उसकी त्रिलालसा, मेरी प्रॉपर्टी का सक्सेसर कौन होगा त्रिलालसा, ट्रेविंग लॉकिंग और यार्ड आईपीएल चाहत को शो करेगा, जब आपकी आप 85 पर आ गए और आप जब 100% पे हो तो पैशन को और मीडिया को कन्वर्ट करेंगे, मुझे ऐसा बॉडी बनानी है, सिक्स पैक बनाना है, डिजायर सबकी है, कोई उसको सीएलवाई में कन्वर्ट कर देता है थोड़ा बहुत करता है, कोई उसको आईपीएल में कर देता है, और जो बहुत ही जरूरी व्यक्ति होते हैं उसको पैशन और मीडिया में कन्वर्ट कर देते हैं, और एक करो परमवीर चौधरी, परमवीर चौधरी को घमंड है पीवीसी, पीवीसी कहेंगे घमंड या मिथ्याभिमान, पी फॉर प्राइड पी फॉर वैनिटी एग्जाम में आ चुका है, और सी वाला वर्ड भी एग्जाम में आ चुका है कंसेप्ट, और घमंडी को बोलेंगे स्वेलन हेडेड, घमंडी लोगों का चेहरा कुछ अलग से नजर आता है, उसे साफ पता चल जाता है ये लोग घमंडी हैं, छोटा कहलाएगा शिशु कहलाएगा, एलसीएम दया है कुछ करेंगे, पीसीआर के लिए छह वर्ड है, इस समय गर्मी बहुत तेज है, हमें पक्षियों के लिए दया रखनी चाहिए, तो या जानवरों के लिए तो भी शुड की
पीटी कॉपी सजेशन, कॉपी सजेशन और रूल टुवर्ड द बर्ड्स एंड द कैटल, और वी शुड कीप पोटेबल वाटर फॉर द बर्ड्स एंड द कैटल। पीढ़ियों के पानी हम उसको जो उसमें क्या टंकी में रखना चाहिए, क्योंकि वो तो मैनेज भी नहीं कर सकते हैं और रखते भी है लोग, तो वो दया या रहम, जैसे भी रोड पर लोग आजकल दूसरी चलाने देखता हूँ आते जाते, तो वो क्या करते हैं कि रागियों के प्रति दया रहम का पॉइंट ऑफ व्यू शो करते हैं कि वो धूप है, किसी को जरूरत पड़ेगी या कोई पे करके पी नहीं सकता है, तो रोड वाला जो जूस वगैरह जो भी प्रोवाइड करवाते हैं वो पी लेते हैं, तो लीनियर ट्रीटमेंट मर्सी पीटी कमिश्नर रूल कहलाएगा। आग बुझाना, फटाफट तैयार कर लेना, यकीन करते हैं वर्ड्स को, क्योंकि हमें सीधा एग्जाम में उतरना है, सीधा लैंड करना है एग्जाम में, को भी तो पकड़ ही नहीं है। बोलो आग बुझाना, बोलते चलिए। प्रीपोजिशन फोर आएगा, आप भी कह सकते हो कि आई हैव ड्राइविंग फॉर मर्सिडीज, यू हैव ड्राइविंग फॉर ऑडी, आई हैव यर्न फॉर और मर्सी दया हो जाएगी, और लीनियंट और ट्रीटमेंट एडजेक्टिव है। जस्ट आप कैसे हैं लीनियंट, जमानत दे देंगे, जस्ट आप कैसे हैं क्लीमेंट, क्लीमेंसी और ट्रीटमेंट, लीनियंसी और लीनियंट, मर्सी और मर्सीफुल, मर्सीफुल एडजेक्टिव है, मर्सी दया है, नाउन है, क्लीमेंसी नाउन है, लीनियंसी नाउन है, लीनियंट एडजेक्टिव है, ट्रीटमेंट एडजेक्टिव है, और आपका मर्सीफुल एडजेक्टिव है दयावान, जो दया शो करे, दया को शो करती है, दयावान से इसका कोई लेना देना नहीं है। P for PT, C for commiseration, R for rule, R for rule बोलेंगे, और PT से मिलता जुलता वर्ड है PT, जिसका मतलब शुष्क, बहुत छोटा, बहुत ही डिग्रेसिबल जो चीज होती है वो PT कहलाती है, और PT से शो करेगा कमेंट को प्राइड, वैनिटी और कंसेप्ट। यहाँ पर कंसेप्ट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कर लेना, तो ये कंसेप्ट एग्जाम में बहुत ज्यादा घूमता है। क्लियर, आज का पार्ट के पार्ट बी पर आइए, जो बहुत मैथमेटिकल है, जिसका नाम है नरेशन, वहां पर आपका एक क्वेश्चन कहीं गलत नहीं होगा, चाहे वो पढ़वाए चाहे लिखवाए, इससे हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा पड़ेगा, कंप्लीट एक मैथमेटिकल चैप्टर है, सारी मैथमेटिकल करते हैं। तो आइए, कैसा लगता है नरेशन इसमें आपको, नरेशन में कुछ नहीं है आपको, बिल्कुल मैथमेटिकल चैप्टर है, मैथ्स की तरह यही समझ में आ जाएगा, कैसे समझ में आएगा वो आप देखिए। नरेशन क्या कहता है आपसे, नरेशन की कहानी, नरेशन की कहानी शुरू होती है मैथमेटिकल अंदाज में, जैसे किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा, ही सेज टू हिम, वह उससे कहता है, क्या कहता है, यू आर ये जो बाहर वाली कहानी है ना, इसको सिर्फ आदमी में बोलूंगा कि कुछ नहीं है, इसको ग्रामर की लैंग्वेज में रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। किसी ने किसी को क्या कहा, शॉर्ट फॉर्म में इसको अपन बोलेंगे आरवी, आगे इसका भी जरूरत नहीं पड़ेगा। बाहर वाली इस कहानी को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है, और अंदर वाली कहानी को जो स्टेटमेंट है, जिसने जिसको जो बयान कहा, जो स्टेटमेंट कहा, जो भी कुछ कहा, वो आपका जिसे कहते हैं ग्रामर की लैंग्वेज में, एक बार ग्रामर की इज्जत कर देते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है। अंदर वाली कहानी को रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है, जो आपने कैसे जैसे बच्चों ने या जिसमें सुना होगा, पढ़ा होगा, डर लगता है, इसे नाम से डर लगता है, इसको देख के डर लगता है,
आपके एपीओ एग्जाम्पल को बढ़वाएगा और हमारे आरजीएस में ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। इसके मैम कमांड थोड़ा बहुत अच्छा करना है, एक क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, बस ये हमारा टारगेट है। ही सेज टू हिम पोस्ट से कहता है यू आर रीडिंग योर पोस्ट, तुम किताबें पढ़ रहे हो, तो तुम्हारी किताबें पढ़ रही हो, उससे वो कहता है। अब यहाँ पर क्या और कहानी क्या है, रिपोर्टिंग वर्ग का ये वाला आदमी जो फर्स्ट नंबर पे है, रिपोर्टिंग वर्ग का जो फर्स्ट नंबर पे है ये रिपोर्टिंग वर्ग का सब्जेक्ट कहलाता है। एक से बार भी लिख रहे हैं फिर इसको कुछ नहीं करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ग का ये वाला जो सेकंड पोजीशन पे है ये रिपोर्टिंग वर्ग का ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। अंदर जो टेंस है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, टेंस आपने बहुत अच्छे से कर रखा है, देखो कहानी कितनी जल्दी समझ में आएगी। अगर वाली कहानी में आज आपको कुछ नहीं ढूंढना है, आज आपको प्रोनाउन ढूंढना है, यू आर, इसको यू पढ़ना, यू आर रीडिंग योर बुक्स। अब यू क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, योर क्या है, पैसिव प्रोनाउन है। आज अंदर वाली कहानी में सिर्फ आपको प्रोनाउन ढूंढना है और कुछ नहीं ढूंढना, टेंस नहीं ढूंढेंगे, आज ढूंढेंगे नहीं, अभी इसका चार्ट तो बनाते हैं लेकिन आज हमारा नहीं है। अब सारी कहानी समझ में आ गई, रिपोर्टिंग वर्ग में जब बदलेगी, एक तो ये बदलेगी, रिपोर्टिंग वर्ब बदलेगी, कंजक्शन का रोल आएगा, प्रोनाउन का रोल आएगा, टेंस का रोल आएगा, तीन चार चीजें बदलेगी यहाँ पर। जो बदलेगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय जो बदलेगा वो क्या क्या बदलेगा, ये तो ये बदलेगी, एक तो ये बदलेगी बदलेगी, हर इसके कई रूप आएंगे। रिपोर्टिंग वर्ब बदलेगी पहला काम, दूसरा कंजक्शन बदलेगा, आज क्या आएगा देखते हैं, दूसरा काम कंजक्शन, बीच में कंजक्शन का बहुत बड़ा रोल है, तीसरा प्रोनाउन बदलेगा, तीसरा प्रोनाउन बदलेगा, चौथा टेंस बदलेगा, जो आज नहीं बदलना है, आज क्यों नहीं बदलना है वो मैं वजह बता देता हूँ, और पांचवा और आखिरी कुछ वर्ड्स बदलेंगे, कुछ शब्द बदलेंगे, बस ये पांच चीजें बदलेगी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। इस कहानी को समझ लो, बेस समझ लो, फिर आगे बढ़े अपन। ही सेज टू हिम, सारी कहानी पढ़ ली, सारा अपन इसको जो है मैथमेटिक एस्पेक्ट में तोड़ दिया, ये रिपोर्टिंग वर्ग है, ये उसका सब्जेक्ट है, ये उसका ऑब्जेक्ट है, बीच में कॉमा आ गया, ये रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है, वो रिपोर्टिंग वर्ग का पोजीशन है, टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, हमें बदलना क्या है, रिपोर्टिंग वर्ग, कंजक्शन, प्रोनाउन, टेंस और वर्ब्स, क्लियर। ये आज हमें बदलना है, आज हमें कुछ नहीं, आज ये नहीं बदलेंगे, आज बदलने का इस पर प्रतिबंध है, आज हम प्रोनाउन बदल सकते हैं, कंजक्शन आएगा या आएगा, रिपोर्टिंग वर्ग बदलेगी, वर्ष कोई होगा जरूरी नहीं हो, आज होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो कोई मैटर, क्लियर। अब आ जाइए गेम खेलते, यदि यदि आपके पास बाहर अंदर सॉरी अंदर कहीं पर भी आपका से बेटा दूर फिर दूर रहेगा, यदि अंदर कहीं भी ये चार शब्द बहुत से चार समझ में आ गया, सारी कहानी समझ में आ गई, बहुत छोटी कहानी है, चार गाना समझे, सबसे पहले हम बदलते हैं प्रोनाउन को, अंदर अंदर कहीं भी आई है, उसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बी है, उसका पजेसिव प्रोनाउन माई है या वी है, या उसका ऑब्जेक्ट अस है या आवर है, बच्चा है, इससे अलावा नहीं आ, आई यानी मैं, बी यानी मुझे, माई यानी मेरा, वी यानी हमें, अस यानी हमें, आवर यानी हमारा, ये छह प्रोनाउन कहीं पर है, ये छह प्रोनाउन अंदर कहीं पर भी है तो ये कहां जाएंगे, ये रिपोर्टिंग वर्ग के सब्जेक्ट के पास जाएंगे, अभी लिख लो रिपोर्टिंग वर्ग के सब्जेक्ट के पास जाएंगे, आर्मी का जो सब्जेक्ट है उसके पास जाएंगे, और जिस रूप में जाएंगे वो रूप लेकर आ जाएंगे, यदि वो सब्जेक्ट के रूप में जा रहे हैं उसे वाला भाई तरह सब्जेक्ट दे, अभी इसे तो वो समझाएंगे एग्जांपल, ये तो थ्योरी है, बी ऑब्जेक्ट में जाएगा भाई ऑब्जेक्ट दे दे, पोजिशन के रूप में जाएगा भाई पोजिशन दे दे, बी कहता है सब्जेक्ट के रूप में जाएगा भाई सब्जेक्ट दे दे, अस कहता है ऑब्जेक्ट के रूप में जा रहा है, जिस रूप में जाएगा वो रूप लेकर वापस आ जाएगा, पहले जाएगा उससे वो रूप मांगेगा और वापस लेकर आ जाएगा, अंदर दूसरी कहानी, अंदर कहीं पर भी यू हो, यो यू हो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोजीशन हो, ये तीन लोग कहीं पर हो ये कहा जाएंगे, बोले हाँ रिपोर्टिंग वर्ग के सेकंड नंबर वाले के पास जाएंगे, फर्स्ट तो तुमने ले लिया, फर्स्ट तो तुमने ले लिया, अब हमारे पास बचा क्या, तो ये उसके ऑब्जेक्ट यानी सेकंड नंबर के पास जाएंगे, ऑब्जेक्ट बोलना भी भारी भारी लगता है, मैं आप बारू तरीके से समझाऊंगा, ये सारी कहानी खत्म कर दूंगा, लेकिन समझ लो एक बार, समझने के लिए चार्ट जरूरी है,
यदि वो छह भाई बहन कहीं पर है, जो फर्स्ट नंबर में रहते हैं वो फर्स्ट नंबर वाले के पास, जो सेकंड में रहते हैं वो सेकंड नंबर वाले के पास, ये फर्स्ट नंबर पर है और ये भी फर्स्ट ग्रुप में, ये इसी के पास जाएगा, ये सेकंड में रहता है और ये भी सेकंड में, कहां जाएगा, सेकंड वाले के पास। अब बच गए आपके 10 प्रोनाउन, ये अब बच गए 10 जो थर्ड नंबर पे आते हैं, तो वो हो गया ही, हिज, हिम, इसी तरह बोलना है, ही, हिज, हिम, ही सब्जेक्टिव प्रोनाउन, हिज पजेसिव प्रोनाउन, जैसे इसका मकान, हिज हाउस, हिम उसको, मैंने उसको मारा, आई हैव स्लैप्ड हिम, की ऑब्जेक्टिव हो गया। लड़की की बात करूं, शी, हर, हर, ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, अब उसकी बात करूं, दे, देयर और देम, ये 10 प्रोनाउन, और सबसे आखिर में इट्स, इसका कभी यूज नहीं होता, बोलना पड़ेगा। ये 10 प्रोनाउन जो थर्ड ग्रुप में रहते हैं, ये 10 प्रोनाउन जो थर्ड ग्रुप में रहते हैं, इनको कहा गया, पहला आपने ले लिया, दूसरा आपने ले लिया, तो ये 10 भाई बहन कहां जाएंगे, ये कहीं नहीं जाएंगे, जाने की जगह आपने खत्म कर दी। पहला आपने ऑक्यूपाई कर लिया, दूसरा आपने ऑक्यूपाई कर लिया, तो बचा क्या, कुछ बचा ही नहीं, तो मेरे भाई साहब को कहीं मत भेजा करो, हमारी कोई मतलब नहीं होगी, अब जैसे थे वैसे ही लिखे जाएंगे, ये बदलेगा, ये बदलेगा, वो नहीं बदलेंगे, बस इस कहानी को एक बार फिर कर लो, इस कहानी को एक बार फिर कर लो, फिर आगे चलो। यदि आपका अंदर अंदर कमरे में आई बी माई बी अस आवर है, वो बाहर जाएगा, रिकॉर्डिंग पर बोली है, वो बाहर जाएगा और जिस रूप में जाएगा वो रूप लेकर वापस आ जाएगा। अंदर कहीं पर भी यू यू और योवर है, वो जिस रूप में जाएगा वो बाहर लेकर आ जाएगा। अंदर रूप में ही इज हिम शी हर दे दियर देम है, दे दियर देम है, तो ये कहां जाएंगे, ये कमरे से बाहर ही चली जाएंगे, ये कमरे से बाहर बाहर लेके क्या करेंगे, वो हेरी करे सिधार ही दीजिए, तो ये बाहर बाहर को जाएंगे, ये कमरे के अंदर ही रहेंगे, ये कमरे के अंदर ही रहेंगे। कहानी नंबर फर्स्ट इज क्लियर, तो यानी कुल मिलाकर आपने एक रूल पैदा कर दिया कि जो प्रोनाउन बदलने का रूल है वो सब रूल को फॉलो करेगा। सब का मतलब है सब्जेक्ट, उसका बाहर सब्जेक्ट के पास जाएगा ये वाले, बाहर ऑब्जेक्ट के पास जाएगा ये वाले, और ये जो नो चेंज है वो जाएंगे, वो चेंज होते ही नहीं। ये पहली कहानी खत्म, ये पहली कहानी खत्म, समझ में आ गई पहली कहानी, पहली कहानी क्लियर। यदि अंतर ये है, ये बाहर जाकर पूछेंगे भाई साहब इसके पास जाएंगे कि भैया जिस रूप में ये रूप हमें दे दे, सेकंड वाला कहा जाएगा, इस रूप पे जाएगा, बोले ये रूप दे दे, ये वाले कहा जाएंगे, तो कहीं नहीं जाएंगे, हो गया बात क्लियर। अब हमने जो पहले शुरू ही शुरू में टेंस का एक मकान बनाया था, वो मकान आज काम आए, आज उसका उद्घाटन करिए, उद्घाटन जो हमने मकान बनाया था वो उद्घाटन काम में आएगा। अब होता है टेंस को बदलने का रूल, प्रोनाउन बदल दिया आपने, टेंस को बदलने का रूल देखिए क्या कहता है, बिल्कुल सिंपल सा रूल है, टेंस का जो रूल है वो सिंपल सा रूल है। आपने कहा था सर नीचे वाली मंजिल में कोड रहता है फर्स्ट नंबर में, आज काम आएगी वो कहानी वापस, एक बार जो कहानी उसने बहुत अच्छे से तैयार की थी वो कहानी एज इट इज तैयार होगी, ठीक इसके ऊपर वाली मंजिल में, ठीक इसके ऊपर वाली मंजिल में कोड रहता है पास्ट रहता है, प्रेजेंट के ठीक ऊपर अपने एक मंजिल बना रखी है जिसको हमने कहा था पास्ट, इसको कहा था अपने प्रेजेंट, आज वो कहानी वापस काम आएगी। नीचे वाली मंजिल के फर्स्ट रूप में कौन रहता था, B1, B5। जब इसका डायरेक्ट होगा ये सीधा ऊपर वाले कमरे में चला जाएगा, सीधा ऊपर जाएगा, बोले डायरेक्ट होना पैसे वाला खेल चलेगा, B1 B5 जो नीचे रहता है डायरेक्ट बनाएगा तो कहां चला जाएगा, सीधा ऊपर चला जाएगा। इज MR4 जो रूप नंबर सेकंड में आपने रोक रखा है, आज वो कहानी कितनी काम पे आ रही है, देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 हिंदी की कहानी, आज ज्यादा कहानी नहीं। यदि नीचे इसमार बी फोर में आपका वाक्य है और उसने कह दिया इसका डायरेक्ट बनाओ, कहां भेज दोगे आप, सीधा ऊपर भेज दोगे, वाजवर प्लस बी फोर भेज दिया ऊपर, सीधा ऊपर। नीचे वाले रूप में यदि आपका वाक्य हैज ए थर्ड फ्लोर पे है, हैज हैव प्लस वन की थर्ड फ्लोर पे है, भेज दो सीधा ऊपर, हैड प्लस उल्टा कर दो। यदि आपका डायरेक्ट B2 में है तो डायरेक्ट किस में होगा, B1 B5 में। यदि आपका डायरेक्ट बाजवर B4 में है तो डायरेक्ट किस में होगा, इस जमाने खेल दोनों साइड से खेल लो, ऐसा नहीं है एक ही वे में रह गए आप,
और यदि आपका वाक्य एज हैव बी प्लस बी फोर में है तो आप सीधे से ऊपर भेज दो हैड बीन प्लस बी फोर में, इसमें भेज दोगे हैड बीन प्लस बी फोर में। ये पहला सीधा ऊपर भेज दो, कुछ नहीं करना है, सीधा जस्ट ऊपर सेंटेंस को देगा, बनाने में नहीं बैठना है, सेंटेंस को देगा सीधा आंसर। और ऊपर वाली मंजिल में क्या कहानी है, ऊपर वाली मंजिल में सिर्फ दो टेंस का जो है वो बनेगा इनडायरेक्ट। यदि बी वन और बी फाइव है, B1 और B5 है, तो ये रूट नंबर 7 में जाएगा हेड प्लस B3 में, और वाजवर B4 है, वाजवर प्लस B4 है, तो ये जाएगा हेड B प्लस B4, हेड B प्लस B4 में, यानी जो पांच नंबर है आपका वो जाएगा 7 में और 6 नंबर बदलेगा रूट नंबर 8 में। यानी रूट नंबर 7 में आने के दो लोग हैं, 5 भी आ सकता है और 3 भी आ सकता है, 3 और 5 जाएगा 7 में और 4 और 6 जाएगा 8 में। ये इस रूप में आने के दो आ रहे हैं, 4 और 6 जाएगा 8 में, ये कहानी टेंस को बताएं सीधा। यानी प्रेजेंट पूरा का पूरा होल है होता है पास्ट में, और भूतकाल में 5 और 6 बदलते हैं, यानी इन ब्रीफ आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि शुरू के 6 टेंस का ही इंडायरेक्ट होता है। आपने प्रोनाउन बदल लिया, आपने टेंस बदल लिया, शुरू के टेंस बदल गया, पूरा का पूरा प्रेजेंट ओवरलैप होगा पास्ट पर, एक बदलेगा 5 में, 2 बदलेगा 6 में, 3 बदलेगा 7 में, 4 बदलेगा 8 में, 5 जाएगा 7 में, 6 जाएगा 8 में। देखो फंडामेंटल स्ट्रोक होता है तो गेम खेलने का कितना मजा आता है, लोगों को कैसे ही पता नहीं होता क्या बिल्डिंग बनाए और क्या किसी को भेजे। आज आपने आपको फंडामेंटल स्ट्रोक करने का गेम खेलने का कितना मजा आ रहा है, देखो उस दिन का पड़ा हुआ आज का हमारा है। फर्स्ट जाएगा 5th में, सेकंड जाएगा 6th में, थर्ड जाएगा 7th में, फोर्थ जाएगा 8th में, फिफ्थ जाएगा 7th में, सिक्स्थ जाएगा 8th में। क्लियर कहानी। अब ये कहानी मॉडल्स में किस किस का इंडायरेक्ट होगा, मॉडल में किस किस का इंडायरेक्ट होगा, कैसे होगा, मॉडल में क्यों 4 मॉडल ही इंडायरेक्ट में बदलते हैं। बिल का बुड हो जाएगा, जो आज नहीं करना है, आज प्रतिबंध है, इसे नहीं कर सकते, बिल का बुड होगा, शैल का बुड भी आंसर हो सकता है, कठिन मत हो जाना, और शुड भी आंसर हो सकता है, वहां पर आपको शुड आंसर नहीं देगा, मैं आपको अभी बता देता हूँ, बुड देगा कि सर देगा B1, B5, oh sorry, B2 आएगा, right, B2 जाएगा head plus B3 में, पांचवा जाएगा 7th में, वो तो एक ही है, पांच जाएगा 7th में, क्योंकि right, will का would बदलेगा, shall का would, shall का should answer नहीं देगा आपको option में, वो would देगा ताकि आप confusion हो जाओ, और can का would होगा और may का might होगा, बस ये 4 model अपना indirect बदलते हैं, ये 4 मॉडल अपना इंडायरेक्ट बदलते हैं, जो आज नहीं बदलना है आपको बदलना ही नहीं, आपको कसम दे रखी है नहीं बदलना। वुड का विल का वुड होगा, शैल का वुड या शुड होगा, कैन का कुड होगा, वी का माइट होगा। आज आपने टेंस बदल लिया, मॉडल बदल लिया, प्रोनाउन बदल लिया, लेकिन आज हम टेंस के एग्जांपल बनने के नहीं, क्योंकि हमने प्रतिबंध लगा रखा है बाहर, वो प्रतिबंध बहुत शानदार है। क्लियर कहानी नंबर 2, कहानी नंबर 2 क्लियर। आपने प्रोनाउन बदल दिया संगुल को फॉलो करते हुए, आपने टेंस बदल दिया, फर्स्ट को भेजा 5 में, 2 को भेजा 6 में, 3 को भेजा 7 में, 4 को भेजा 8 में, 5 को भेजा 7 में, 6 को भेजा 8 में, विल का वुड, शैल का वुड, कैन वुड बी माई। क्लियर कहानी, सेकंड कहानी क्लियर, बिल्कुल क्लियर। आइए अब जो हमने बोला इतनी जो हमने बोला उसकी कहानी हम लेते हैं अच्छे सेंस में, कि जो हमने अब तक यूज किया उसकी कहानी क्या है। देखिए कहानी को, कुछ नहीं बना, ये जो सारी कहानी आपने पढ़ी ना इसको भूल जाओ, तो मेरे को दिमाग से इरेज ही कर दो, आपने तो कुछ नहीं पढ़ा, जैसे मैं यहाँ इरेज कर रहा हूँ दिमाग में से इरेज कर दो,
अब आते हैं बिल्कुल आरू तरीके पर। आरू तरीका बिल्कुल काम करता है, जो आपने पढ़ा उसको भूल जाओ। क्या सर वो मॉडल वाले वापस सुनो, मॉडल वाले वापस सुनो, अभी तो काम भी नहीं आ रहा। यदि हमारा बिल है क्वेश्चन पे तो आंसर पे भूल आएगा, यदि हमारा क्वेश्चन पे शैल है, क्वेश्चन पे शैल है तो आंसर पे भूल आ सकता है और आपका छूट आ सकता है। यदि क्वेश्चन में आपका कैड है तो आंसर पे भूल आ सकता है और क्वेश्चन में यदि आपका बे है तो आंसर पे मारी आ सकता है। 99% इससे क्वेश्चन जरूर आता है, ये क्वेश्चन बहुत पसंद है डायरेक्ट को, कैसे पसंद है वो बाद में बात करेंगे। आज हमारा देखिए पॉइंट, बे का माइंड होगा कब, जब वो उसको इनडायरेक्ट बदलेगा। आइए आप खेल खेलते हैं, सारी कहानी को भूल जाना। बी सेज टू बी, वो उससे कहता है, क्या कहता है वो उस आड़ू तरीका, आड़ू तरीका यूज करना है, जो पढ़ा वो सारा भूल जाओ, कुछ आता ही नहीं है ना, समझ में आया आपको। आई एम सेलिंग माई हाउस, आई एम सेलिंग माई हाउस एट डर्ट चीप, डर्ट चीप का मतलब कुड़ियों के भाव में अपना मकान बेच रहा हूं, ये उसने उससे कहा। आराम से समझ लेना, गेम आड़ू तरीके से चलेगा, जो आपने पढ़ा वो सारा भूल जाना, जो जो भी पढ़ा। She says to him, एक और क्वेश्चन, दो क्वेश्चन लेते हैं। I have humiliated him. I have humiliated, या इसको कर दो, I have humiliated him. ऐसा कहा, मैंने उसका अपमान कर दिया है, ऐसा आपने कहा। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आलू तरीका यूज करना है, जो आपने पढ़ा मैं उसको कह रहा हूँ वापस भूल जाओ, जो आपने पढ़ा उसकी सारी कहानी को भूल जाओ, कुछ नहीं पढ़ा ना कुछ आता है। सर समझ भी नहीं आया, नहीं आया ना, कुछ नहीं करना है। सबसे पहला काम बड़े ध्यान से देखो, बाहर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट प्रेजेंट है, प्रेजेंट डेफिनेट है, बाहर प्रेजेंट और फ्यूचर हो तो अंदर का टेंस नहीं बदलेगा, इस रूल को डायमंड रूल में कन्वर्ट कर देना, डायमंड रूल है ये। यदि रिपोर्टिंग वर्क बाय चांस, फ्यूचर में तो कभी लिखेगा नहीं, प्रेजेंट में लिखता है, प्रेजेंट प्रेजेंट या फ्यूचर पे हो, प्रेजेंट या फ्यूचर पे हो, ओ तो आरएस का टेंस नहीं बदलेगा, आरएस का टेंस नहीं बदलेगा, ये सिर्फ नोट्स के रूप में लिखने के लिए, बाकी आगे करेगा। यदि बाहर प्रेजेंट और फ्यूचर खड़ा हो तो रूप के अंदर का सिनेरियो चेंज नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ प्रोनाउन बदलेगा। और आज हमें प्रोनाउन बदलना ही सीखना है, प्रोनाउन के साथ टेंस नहीं बदल रहे क्योंकि वो कहानी जो है नहीं सेट होती है। He says to me, I am selling my house at dirt cheap. वह मुझसे कहता है कि मैं अपना मकान कोड़ियों के भाव बेच रहा हूँ, कोई आंसर नहीं है, कोई रूल नहीं है, बिल्कुल आलू तरीका यूज करें तो दिमाग में जाके सेट हो जाए। सबसे पहला काम, यदि बाहर से और से टू है या शेष टू है तो सबसे पहला काम या तो वो टेल पे बदलेगी या वो कैश पे बदलेगी, सबसे पहला काम यही है। यदि बाहर से टू और शेष टू है तो सबसे पहले आज आप वो टेल और कैश में बदलेंगे, कंजक्शन आज डेट आएगा क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है, कंजक्शन जो होगा आज की डेट में वो डेट आएगा, कंजक्शन आज डेट, आज ये कहानी यूज करती है बस, आज ये कहानी है। पहला पॉइंट, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में है, अंदर का टेंस नहीं बदलेगा, अंदर का टेंस नहीं बदलेगा, पहला काम। सेज टू है तो आपका कैश हो जाएगा और से टू है तो टेल हो जाएगा और कंजक्शन डेट आएगा, टेंस आज आपको बदलना नहीं। अब ये कहानी को प्रिंट कर लो और अब गेम खेलते हैं, अब इसको भी भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ, कुछ नहीं पढ़ा इरेज कर लो दिमाग से और अब सेंटेंस का डायरेक्ट करो सब कुछ भूल भाल के। यदि बाहर आपका प्रेजेंट और फ्यूचर है तो अंदर का टेंस नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, पहला काम। कंजक्शन दैट आएगा क्योंकि वाक्य अफर्मेटिव है, कंजक्शन दैट आएगा, दूसरा काम। अंदर केवल प्रोनाउन बदलेगा, तीसरा काम। और जो है टेंस आज नहीं बदलना है, चौथा काम।
करे ऑपरेशन, भूल जाओ सारी कहानी को, और अब जो आपने अभी तक आपने पढ़ा उस सारी कहानी को भूल जाओ, कुछ भी नहीं पढ़ा हमने, इरेज कर दो दिमाग से। अब आ जाओ, ही सबसे पहला काम ही किया आपने, सेज टू है सबसे पहला परिवर्तन टैक्स, सबसे पहला परिवर्तन टैक्स, एडजेक्शन टैक्स, हो गया काम, दो काम तो हो गए। आई कहां जाएंगे भाई साहब, ही के पास, जाकर क्या मांगेंगे इससे, क्या मांगेंगे इससे, इसका सब्जेक्ट तो किस रूप में जा रहा है, सब्जेक्ट के रूप में, तो क्या मांगेगा, सब्जेक्ट की तो मांगेगा ना, आई सब्जेक्ट के रूप में जा रहा है, वाक्य को शुरू कर रहा है तो सब्जेक्ट है, ही का सब्जेक्ट क्या होता है, ही का खुद ही तो सब्जेक्ट होगा ना, ही का सब्जेक्ट तो खुद ही होगा ना, ही के पास गई भाई तेरा सब्जेक्ट दे, बोल मैं खुद ही ले जा, ही का सब्जेक्ट ही होगा ना, अभी कंफ्यूजन मत हो ना, ये बदल गया ही में, क्या टेंस बदलेगा क्या, तो ही के साथ क्या आएगा इस टेंस में, इसी रूप में रहना है, रूप तो छोड़ना चाहिए, ही के साथ क्या आएगा, इज आएगा, बस इतनी सी तो कहानी है, ही इज, वन बदलेगी क्या, वन वो ही वो है, आराम से रुक के, सैनी माई किसके पास जाएगा, माई किसके पास जाएगा, माई ही के पास जाएगा, क्योंकि छह रूप में, माई भी किसके पास जाएगा, ही के पास, वो जाके क्या मांगेगा इससे, किस रूप में जा रहा है, पजेशन के रूप में जा रहा है, कब्जे के रूप में जा रहा है, ही से जाके कहेगा भाई साहब तेरा कब्जा दे, ही का कब्जा क्या है, पजेशन क्या है, हिज है ना, बस हिज, बाकी कहानी खत्म, हिज हाउस एट थर्ड चीज, कोमा गाया, इकट्ठे कोमा गाया, और कुछ बचा नहीं, कहानी समझ में आई या नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहानी समझ में आ गई, सबको समझ में आ गया, आई सब्जेक्ट के रूप में है, यदि यहाँ पर ही की जगह शी होता तो क्या परिवर्तन हो जाता वाक्य में, आराम से बताओ, यदि यहाँ पर मैं शी कहता तो वाक्य में क्या परिवर्तन हो जाता, आई किसके पास जाता, शी के पास, क्या जाके क्या कहता, मैडम तेरा सब्जेक्ट दे, मैडम का सब्जेक्ट क्या है, शी है, यहाँ पर शी हो जाता, यहाँ पर जो है आपका शी हो जाता, ठीक है, और यहाँ पर लिखा था हाउस हाउस हो गया, आराम से देखो अभी तक ये चीज कहानी समझ में आ गई, सारी कहानी समझ में आ गई, यदि यहाँ पर शी होता, एक परिवर्तन कर दे, यहाँ पर यदि शी होता, आई किसके पास जाता, शी के पास, क्या मांगता, सब्जेक्ट में यहाँ पे क्या आ जाता, शी आ जाता, भाई किसके पास जाता, शी के पास, जाकर क्या बोलता, शी को तेरा पजेशन दे, शी का पजेशन क्या होता है, हर शी का पजेशन कब्जा, कब्जा लड़की के लिए बोली उसका मोबाइल, तो हर मोबाइल होगा ना, तो शी का जो पजेशन है वो क्या है, हर है, तो आपका हिस की जगह क्या हो जाता, हर हो जाता, शी की जगह क्या हो जाता, हर हो जाता, मैंने यहाँ पर ये कह दिया यू कर देता, मैं यहाँ पर मैं यू कर देता, यू से टू हिम ऐसा कह देता मैं, तो वाक्य में क्या परिवर्तन होगा, यदि ये परिवर्तन आपने कर दिया कहानी समझ में आ, कुछ नहीं करता मैं यहाँ पर ही को भी हटा देता, शी को भी हटा देता, और यहाँ पर मैं कर देता यू, और इसको तो सेज करते, सेज करते, वो तो बड़े बड़ा दिया टेल हो जाता, यदि यहाँ पर यू होता तो वाक्य में क्या परिवर्तन होता, यदि यहाँ पर यू होता तो वाक्य में क्या परिवर्तन होता, यदि वाक्य में यू होता तो देखो क्या परिवर्तन होता, कौन किसके पास जाता, बड़े आराम से देखो, यदि ये कहानी आपको समझ में आ गई, यू पर भेजो कि भेजने वाले जाने वाले को देखो कौन किसके पास जाएगा, यू लिख दिया तो आप कंफ्यूज हो रहे कि यू लिखने से क्या फर्क पड़ा, यू लिख दिया यहाँ पर, ये थोड़ी है बनाई है, आई किसके पास जाएगा, आराम से उसको देखो, बोर्ड को भी मत देखो, आई किसके पास जाएगा, सब्जेक्ट भी मत बोलो, आई किसके पास जाएगा, फर्स्ट नंबर बोलो, फर्स्ट नंबर पे कौन है, यू है ना, आई गया यू के पास, उसको जाके बोला कि भाई साहब आपका सब्जेक्ट दे दो, यू का सब्जेक्ट क्या है, यू ही है ना, बस यही तो मैं कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ इतनी देर से, यू का सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यहाँ पर आपका ही और शी की जगह क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, ठीक हो गया, और क्या परिवर्तन होगा,
यू के साथ क्या आएगा, इज आएगा कि एम आएगा कि आर आएगा, आर आएगा हो गया दूसरा परिवर्तन, कर दिया आप ही लोग कर रहे हो, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा। तीसरा परिवर्तन फिर आपने भेज दिया जो बड़े आराम से आई गया यू के पास, मांगा सब्जेक्ट, यू का सब्जेक्ट क्या है, यू है। फिर गया माई यू के पास, मांगा पोजीशन, यू का पोजीशन क्या है, यू का पोजीशन, पोजीशन कब्जा योर है ना, तुम्हारा मकान, तुम्हारा मोबाइल, मेरा तुम्हारा मकान, तुम्हारा मोबाइल, तुम्हारा करियर योर ही तो आएगा ना। यू का जो पोजीशन है वो क्या है, योर। अरे आराम से कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत, तो बताओ कहानी समझ में आएगी। आगे हाँ, ये जो अंतर, ये इनमें से कोई भी हो, इनमें से कोई भी हो, आई हो, बी हो, बाई हो, बी हो, अस ओ आवर हो, इन छह में से कोई भी अंदर होना, ये पहले वाले के पास जाए। इन छह में से कोई भी है अंदर किसी भी रूप में, तो वो पहले वाले के पास जाएंगे, जिस रूप में जाएंगे वो रूप लेकर वापस आते। बोलो कहानी समझ आई नहीं, सर जी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोला दूसरा क्लियर हुआ, हुआ तो क्लियर बनाओ दूसरा। पहला परिवर्तन शी टेल्स, हो गया परिवर्तन ही, ठीक। एडजेक्शन क्या आया, दैट आया। अब बनाओ ईमानदारी से, चिपाचपी नहीं करनी है, क्यों शी क्यों, आई किसके पास गया, शी के पास, आई किसके पास गया, क्या मांगा, सब्जेक्ट मांगा, शी हो गया। आगे आगे क्या करूं, टेंस बदलेगा, टेंस बदलेगा, नहीं बदलेगा, शी के साथ है वा जाएगा, है जाता है, बस उसकी बात मानते जाओ ना, उसकी बात मानते जाओ, यू बी रिलेटेड हिप आ जाएगा, हिप आ जाएगा, हिप आ जाएगा, शी के पास की जाए, शी के बाद तो छह लोग जा सकते हैं, ये कहां से आ गया, तो जो भी रहता ही नहीं है, वो छह लोग इसके पास जा सकते हैं, तो दिख रहे हैं आपको, तीन लोग इसके पास जा सकते हैं, यू यू और योर, तीन लोग यहाँ पे जा सकते हैं, छह लोग वहां जा सकते हैं, ये भाई साहब कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, वो तो अपन कह रहे हैं, ये थर्ड रूप में रहते हैं, कौन कौन, ही हिज हिम शी हर हर दे दियर देम दियर देम और इट, कि दस लोग कहाँ जाएंगे, बेजोर जगह तो नहीं, जगह ही नहीं है, तो हिम का क्या गया, हिम आता है, बस ये तो मैं आपको भी देते समझा रहा हूँ, क्या बोलो कहानी समझ में आई कि नहीं। यदि वो छह लोग हैं किसी भी रूप, जिस रूप में हैं वो यहाँ जाएंगे फर्स्ट नंबर वाले के पास, और जिस भी रूप में जा रहे हैं वो उससे मांग लेंगे, भाई तू सब्जेक्ट दे दे, भाई तू ऑब्जेक्ट दे दे, भाई तू पोजीशन दे दे, तीन ही चीज मांगेंगे ना, ठीक। बाकी बच गए तीन, यू योर योर, ये जाएंगे सेकंड वाले के पास, ये जाएंगे सेकंड वाले के पास, जिस रूप में जाएंगे वो रूप लेकर वापस आ जाएंगे, ठीक है। बाकी ये दस लोग इनको भेज दो, आप चाहो तो आप अपने चाहेंगे भी नहीं भेज सकते, भेज के दिखा दो जगह ही नहीं। पहले रूप में चले गए, पहले रूप में जाने वाले कौन है, छह लोग, छह के नाम बताओ, आई बी माई बी अस आवर। दूसरे रूप में जाने वाले का नाम बताओ, यू यू और योर। तीसरे रूप में जाने वाले का नाम बताओ, है पर ऐसे ही बोल रहे हो फटाफट, तीसरा रूप बनाए थे आप भेजोगे कहा, दो रूप थे, दो रूप को क्या तीसरा भेज दो, रूप में का जाना भेजा दो होगा तो ही भेजोगे ना, तीसरा तो रूप ही नहीं बनाया तो तीसरे को आप कहीं भेज ही नहीं सकते। तो ये दस जो आपके लोग हैं जिनका नाम है, ही इज हिम शी हर दे दिया देम इट्स, ये कहीं नहीं जाएंगे, ये कहीं पर भी नहीं जाएंगे। रूप नंबर फर्स्ट वाले जाएंगे फर्स्ट वाले के पास, सेकंड वाले जाएंगे सेकंड रूप में, थर्ड वालों को रूप ही नहीं बनाया, रूप ही आपने दो बना रखे हैं, तो थर्ड वालों को कहां भेजोगे आप, भेजने के लिए जगह ही नहीं है। टेंस आज आपको बदलना नहीं, आज आपको टेंस बदलना नहीं है। आइए हो गया पहले वाला क्लियर, पहले वाला क्लियर, दूसरे वाले का खेल खेलो। हाँ यू वाले को देखो आपने क्या किया, यहां पर आपने यू लिख दिया, तो आई गया यू के पास, जाकर बोला कि भाई साहब आपका सब्जेक्ट दे दो, क्योंकि मेरे को डायरेक्ट बनाना है, तो यू का सब्जेक्ट क्या होता है, यू ही होता है ना, उसने यू दे दिया कि भाई साहब यू ले जा। आज आपको टेंस बदलना नहीं है, बस इतना सा होगा, जहां पर एम है वहां पर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, इतना ही तो होगा ना, रुक तो होगा वही, रुक तो आप ऊपर जा ही नहीं रहे, ऊपर तो जा ही नहीं सकते। यू आर सेलिंग, यहाँ पर भी बी फोर आएगा, बी फोर
फिर माई किसके पास गया? वापस गया यू के पास। जाकर क्या मांगेगा? पजेशन, कब्जा मांगेगा। यू का पजेशन बड़े आराम से योर है ना, तो मेरा मकान क्या हो गया? तुम्हारा मकान, योर हाउस। बस इतनी सी तो कहानी और तो कोई कहानी नहीं है। अब आते हैं सेकंड, अभी क्लियर हो जाएगा, चिंता मत करो। अभी देते हैं, क्लियर होते ही फिर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तो ये बेस क्लियर हो गया तो कहानी बहुत इजी है। आगे की कहानी में तो बस छोटा छोटा है। एक क्या कास थे देखो आप, बनाना मन में शी, बड़े आराम से कंफ्यूज मत होना, मैथमेटिकल अप्रोच है। शी सेज टू मी, वो मुझसे कहती है, यू आर बॉडी, यू आर बॉडी योर कॉमोडियस फील्ड, कॉमोडियस फील्ड, तुम अपना लंबा चौड़ा खेत गिरवी रख रहे हो। यू आर बॉडिंग योर कॉमोडियस फील्ड। दूसरा मैंने घुमा दिया और ही कठिन बतौना, बहुत अच्छे से गेम खेलना है। ही सेज टू हिम, वो उससे कहता है, क्या कहता है कि आप ही से सो ही, यू आर वेटिंग, छोटा सा सेंटेंस, यू आर वेटिंग। ऑनलाइन क्लासेस तो बंद ही हो गई, चाय पे होगा, आवाज ही नहीं जा रही, अगर सकते माइक भी कम नहीं है। ही सेज टू बी, यू आर कॉलिंग योर कॉमोडियस फील्ड। और दूसरा कहता है, ही सेज टू बी, बहुत ध्यान से, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये कहानी बहुत मेरे को इंपॉर्टेंट है, तीस सेकंड में लिख देता हूं। ही सेज टू हिम, ही इज वेटिंग, ही इज वेटिंग हिज ब्रेकफास्ट। बड़े ध्यान से, कंफ्यूज नहीं होना, पुरानी सारी कहानी को भूल जाना, बस पुरानी सारी कहानी को भूल जाना। और आज बिना कहानी के आपको ये यूज करना है, बिना कहानी के इसको यूज करना है। कहानी हमारे पास है नहीं, फंडामेंटल आपको आते नहीं, कुछ भी नहीं आता है, फिर भी हम इनडायरेक्ट बना के छोड़ेंगे, एलन मस्क ने बिना डिग्री के रॉकेट बना दिया, आप बिना नॉलेज के डायरेक्ट नहीं बना सकते। बहुत आराम। शी सेज टू मी, यू आर कॉलिंग योर कॉमोडियस फील्ड। वो मुझसे कहती है कि तुम अपना लंबा चौड़ा खेत गिरवी रख रहे हो, बोले डायरेक्ट बनाओ, बोले बना देते हैं, चिंता मत करो। He says to him, वो मुझसे कहता है, you are meeting me, तुम मुझे मिलाई कर रहे हो। He says to him, he is meeting his breakfast। बहुत आराम से, बड़े आराम से, देखो सबसे धीरे धीरे, सबसे पहले परिवर्तन स्टेप बाय स्टेप। She tells, आराम से, she tells me, पहला परिवर्तन। Conjunction that, दूसरा परिवर्तन। ये तो स्टार्टर सबके चले हो गया। यू कहाँ जाएगा? शी के पास। भेजो भाई साहब, आराम से भेजो, आराम से। क्या मांगेगा? सब्जेक्ट क्या है शी का? टेंस बदलोगे आज? टेंस बदलना है। शी के साथ क्या आएगा? ओ सॉरी, यू अच्छा, यू ऑब्जेक्ट के पास जाएगा, बी के पास, सही। यू ये तो कभी यू जाएगा बी के पास, सेकंड वाले के पास। बी का सब्जेक्ट क्या है? आई। ओके, आई के साथ क्या आएगा इस रूप में? आर तो नहीं आएगा ना, इसमें नहीं आएगा, आई एम। क्या ये वर्ड थी? क्योंकि ये तब भी वही थी, इसी वही है, बॉडी। योर कहा जाएगा? सब्जेक्ट योर, सेकंड वाला इसके ऑब्जेक्ट के पास। बी से जाकर क्या मांगेगा? आराम से, योर्स पजिशन के रूप में जा रहा है, उससे जाकर पजिशन ही तो मांगेगा ना भाई, मैं कब्जे के रूप में आया हूँ, तू अपना कब्जा दे दे। बी का कब्जा क्या होता है? बाई होता है। बी का कब्जा क्या होता है? बाई। बाई बाकी वैसा का वैसा कॉमोडियस। बस ये भेजने का काम आ गया नाम कारी के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो सकते भी क्यों गया ये, तो यहाँ तो जा ही नहीं सकता है क्योंकि सेकंड रूम कहाँ रहता है? ये सेकंड रूम में, तो ये यहाँ कैसे जाएगा? ये यहाँ कैसे जाएगा क्योंकि आइए सेकंड रूम पे रहता है, तो ये यहाँ तो जा ही नहीं सकता ना, नहीं जा सकता। जोर भी सेकंड रूम पे रहता है, तो यहाँ तो जाने के रास्ते नहीं बंद है, या तो पहले वो छह लोग भूखे हैं, साथी को काम लाओगे तो कहाँ जाएगा? सेकंड वाले भेज दिया दूसरे को। देखो, ही सेज टू हिम, ही टेल्स हिम, कंजक्शन दैट आ गया, बहुत आराम से। सेज की बदला टेल्स में, कंजक्शन आया दैट। अब बहुत आराम से, यू कौन से रूप में रहता है?
रहता कहाँ है? सेकंड रूप में। सेकंड वाला कहाँ जाएगा? सेकंड वाले के पास। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भूल जाओ, ये ग्रामर की भाषा भारी होती है। सेकंड में रहता है, जाएगा कहाँ? सेकंड में। क्या मानिका इससे जाकर? ईव का सब्जेक्ट क्या होता है? ही होता है। आज आप टेंस बदलोगे, ऊपर भेजना इसको, नहीं भेजना, क्यों नहीं भेजना, क्यों नहीं भेजना वो मुझे तो बताओ, क्यों नहीं भेजू आज मैं तो इसी आगे आवाज करूंगा मैं तो। ये इसे प्रतिबंध है, ये प्रतिबंध को देखो, इधर बाहर प्रेजेंट और फ्यूचर खड़ा है, इधर बाहर बाहर प्रेजेंट और फ्यूचर है, तो ये लिफ्ट से ऊपर नहीं जाएगा, बस इतना सा याद रखना। बाहर प्रेजेंट और फ्यूचर है तो ये लिफ्ट लगाकर ऊपर नहीं जाएगा, आज से ऊपर जाने पे प्रतिबंध है, क्योंकि बाहर कौन खड़ा है? प्रेजेंट और फ्यूचर। ये लिफ्ट लगाकर ऊपर कब जाएगा? जब बाहर पास्ट हो, वही असली डायरेक्ट है। लेकिन स्क्रीन क्वेश्चन आते जो कल पढ़ेंगे, यदि बाहर दरवाजे के बाहर प्रेजेंट और फ्यूचर खड़ा है तो क्या ये वाला ऊपर जा सकता है? क्या नहीं जा सकता? क्या ये अपना टेंस बदल सकता है? क्या नहीं बदल सकता? कब बदलेगा? जब बाहर पास्ट खड़ा होगा। हो गया? तो आपने कहा सर यू गया, इनके पास मांगा सब्जेक्ट, इनके अपना सब्जेक्ट दे दिया ही, तो इसके साथ आ रहा है क्या? इसके साथ बिटिंग का बिटिंग ही रहेगा। पारी खत्म। बी भाई साहब कौन से रूप में रहते हैं? फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाला कहाँ जाएगा? फर्स्ट वाले के पास। इसे जाकर क्या बोलेगा? भाई साहब किस रूप में आया हूँ मैं? किस रूप में आया हूँ? कहने रूप को तैयार हो, ऑब्जेक्ट के रूप में। जब ये ऑब्जेक्ट के रूप में जा रहा है तो उसे मांगेगा सब्जेक्ट, नहीं मांगेगा नाम। उससे मांगेगा पोजिशन, नहीं मांगेगा नाम। जिस रूप में जा रहा है वही तो रूप मांगेगा नाम। तो बी गया ही के पास ऑब्जेक्ट के रूप में। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? बस कहानी खत्म। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? बस किसी दुकान ही का ऑब्जेक्ट इफ होता है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर यदि हम ही की जगह शी कर देते हैं तो वाक्य में क्या परिवर्तन हो जाता? यहाँ पे शी कर दिया मैंने तो वाक्य में क्या परिवर्तन हो जाता? कुछ नहीं होता। यहाँ कोई परिवर्तन नहीं, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं, सिर्फ लिंग की जगह हर हो जाता, क्योंकि बी जाएगा शी के पास। मैडम आपका ऑब्जेक्ट क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव केस क्या है? बोली मेरा ऑब्जेक्टिव हर है। बोली हर किसी को क्या थर्ड? कुछ नहीं। टेंस टू बदला टेंस में, टेंस टू बदला टेंस में, ऑब्जेक्शन आया, बोलते रहा करो गाने हैं, ऑब्जेक्शन आया दैट ही को कहां भेजे? कहीं मैं रमेश फाइल कर दूंगा, भेजो इसको, भेजो लो, भेजो आप भेजो। कहां रहता है ही? थर्ड रूप में। थर्ड रूप वाले बनाओ रूप, बनाओ पहले तो आप बनाओ कमरा, कमरा है ही नहीं, खड़ा रहे भाई दूसरे तावड़े पे ही। कमरा ऐसे आड़ू आड़ू तरीका, ढाप के आड़ू तरीका, मतलब जितना आड़ू पढ़ाई हो सकती है ना उतनी आड़ू, कोई कुछ नहीं है। ही रहता है तीसरे रूप में। तीसरे रूप में दस लोग और रहते हैं, उनके लिए कमरा ही नहीं है, रूप में पढ़ने दो। टेंस बदलू क्या? भेजू क्या ऊपर? क्यों नहीं भेजू? क्यों नहीं भेजा? आज प्रतिबंध है, बाहर प्रेजेंट फ्यूचर है, कुछ एक बना वर्ड बदलेगी, बेबर बदलेगी, इसको भेजो, इसको भेजो फटाफट भेजो। रूप है ही नहीं, भेजोगे कहाँ? रूप होगा तो भेजोगे ना, भेजो इसको, रूप ही नहीं है। पहले वाले रूप में छह लोग चले गए, दूसरे वाले रूप में तीन लोग चले गए, तीसरे वाले में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो बताओ कहाँ भेजे? भेज नहीं सकते, एज इट इज लिख देंगे। बताओ कहीं समझ नहीं आई कि नहीं आई? बस इतनी सी मैथमेटिकल आ रही है, मैथ से कोई नहीं हो रही, लोग इसको रटवाते हैं फिर भी गलत, फिर भी एक्स वाई जेड कल किसी से मुलाकात हुई, वो पेपर कर रहा था, उसको आईडीआई की पेपर का जा रहा है, बोले सर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मैंने कहा भाई सारे करते हैं, किसी से कौन सा फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्लियर? तो आज सभी जॉब ने की उस सभी को समझ लीजिए, सभी को पढ़ लीजिए। पहली जो आपकी है वो क्या कहती है? पहला आपका जो कहता है वो क्या कहता है कि आपका जिसे कहते हैं प्रोनाउन बदलना है, जो आपका यदि आई यू वी बी दे आपका छह लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? फर्स्ट नंबर पर।
तीन लोग कहां जाएंगे वो सेकंड नंबर पर, और दस लोग कहां जाएंगे कहीं नहीं, जिस रूप में जाएंगे वो रूप लेकर वापस आ जाएंगे। यदि वो सब्जेक्ट के रूप में जा रहे हैं तो सब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में जा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट आएगा, पोजीशन के रूप में जा रहे हैं तो पोजीशन आएगा। तीन लोग कहां जाएंगे सेकंड वाले के बाद, जिस रूप में जा रहे हैं वो रूप लेकर वापस आ जाएंगे, और दस लोग कहां भेजेंगे कहीं नहीं, क्योंकि आपने तीसरा रूप बना ही दे रखा। तो जब आपने तीसरा रूप